कब जाओगे? अबे भाई, सुबह हो गया, उठ जा। कितना देर तक सोएगा? अबे उठ। अरे सोए रहो, सोए रहो। सुबह हो रहा है, डेढ़ बज गया। सुबह हो गया। ऐसे क्या देख रहे हैं भैया? मैं आपको पसंद आ गया हूँ क्या? आ गया साला पीके, रोज का रोज इसका यही ड्रामा है। क्या भैया, कभी कभी तो आता है, पर टेंशन होता है तो पी लेता है, इसमें इतना क्या है? कभी कभी, रोज का साला इसका यही ड्रामा है। ऐसे दोस्त तुम लोग क्यों बनाते हो? अब देखो भैया अपना दर्द गाएंगे। अबे दर्द कैसे गाएंगे भैया, ये खोलेंगे तब भैया। क्या दर्द है? देखिए भैया, देखिए देखा भैया क्या दर्द कर रहे भैया। सुर सुर मिलाइए भैया। क्या गाते हैं भैया? अरे बंद करो सब। ओह नो, साला के फंस लेंगे इसे। सो अच्छा अपना भाई आर्मी बोला था, जय हिंद सर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। गुजारना ही पड़ेगा, कहां से आ जाते हैं। एक दारू पी करके आएगा, एक ड्रामा करेगा। खाना साला किसी को बनाना नहीं है, प्याज किसी को नहीं काटना है, टमाटर काटना है। काम को साला कुछ करेगा नहीं, लोग बना के देखो खाना खाने के लिए। बजे बजे, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ प्रणाम पापा। हाँ अभी ठीक 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 पापा। क्या हुआ रे? क्या बोले पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार। क्या बोले पापा? पापा क्या? अबे बोलना भाई, क्या हुआ? अबे अबे बोलना भाई, क्या हुआ? अबे अबे बोलना, क्या हुआ? ए बता बोलना। अबे पापा आ रहे हैं। अच्छा पापा। अरे पापा बता। अरे जल्दी से साफ सफाई करो।
दो मिनट आ रहे हाँ ठीक, मैं जा रहा हूँ नीचे। ठीक, अरे क्या कर रहा है, शर्ट पहन भाई, पापा आ रहे हैं। दो मिनट जल्दी से, जल्दी शर्ट पहन, मैं आ रहा हूँ। तेरा बाप आया। तेरा शराब पाया। यही रूम है तुम लोगों का? हाँ पापा। पापा लाइए ना बेड रख लेते हैं। आइए अंकल बैठिए। बड़ी गर्मी है, पंखा चालू करो ना। ए सड्डू पंखा चालू करो। ओके अंकल, ये विशाल भैया है, आर्मी रिटायर्ड है, हम ही लोग ऐसे साथ रहते हैं। बैठिए भैया। कोई दिक्कत तो नहीं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुआ? नहीं, जन्मे करते हैं, गाड़ी थोड़ा भीड़ रहता है। हाँ, और वैसे भी स्वस्थ आदमी के लिए क्या दिक्कत है। हाँ, ठीक है। ये आओ सड्डू, बैठो बैठो। कहाँ से बाबू आप? मैं पटना से हूँ अंकल। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे सब साथ में ही एक्टर बनने आए हैं। ये भैया आर्मी से रिटायर्ड के भी लोग के साथ रहते हैं। दिव्यांशु चाय बनून तो साफ सफाई एकदम बिल्कुल है, मतलब जी हाँ अभी ही हुआ है। अभी? हाँ अभी 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 दोबारा हुआ है। पापा खाइए ना और सब क्या हो रहा है? सब ठीक है पापा, बीच में कुछ गड़बड़ सुनने को मिला था तुम्हारा। वो तो होते रहता है, मतलब कुछ बस वही थोड़ा बहुत। काफी पढ़ाई लिखाई भी भैया खाइए ना। वो अंकल रात में हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो लेट हो जाता है जागने में, इसे थोड़ा बहुत। अच्छा, स्क्रिप्ट मिल जाता है पापा डायलॉग डिलीवरी करने के। कहाँ है, कांप रहे हो? कांप नहीं रहे पापा, ठीक है पापा। इतना नालायक है ये, इतना नालायक है, किसी का बात सुनता है ना? बहुत लायक है लोग, तो बहुत काफी पढ़ाई लिखाई सारा। अंकल वो जो हम लोग वहाँ से आए ना, उसके बाद हम लोग शेड्यूल बना लिया सुबह शाम पढ़ने का। तो अब क्या है ना पापा की तैयारी करना, मेहनत थोड़ा दुगना हो गया है। बात करता हूँ तुमसे, मैं तुम्ही से बात करने आया हूँ, मैं किसी से बात कर रहे हैं तुम्ही से बात करने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जी बिल्कुल भैया, बात करना ना ना कब खाइए। विशाल भैया हाँ आइए ना, थोड़ा सा काम कर दो। आते हैं? हाँ बैठिए, आते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अरे पापा आ रहे हैं यार, उसके थोड़ा समझिए ना। पापा आए तो इसीलिए तो मना करते हैं ना। अरे तो अभी चुप रहिए ना यार, जब तक है तुम लोग का टाइम है 2 बजे उठने का। तो टाइम नहीं है तो अब उठेंगे ना, अभी तो चुप रहिए यार, सबका जीना हराम कर। ठीक है देखते हैं, अभी मैनेज करते हैं। भैया प्लीज। तो पापा आए तो क्या करें, मना करते इसीलिए ना भैया। हाँ तो जोड़ रहे हैं ना। चलो ठीक है, चाय बना के लेके आओ। भैया चाय बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कॉफी कोल्ड ड्रिंक जो पीजिएगा सब देंगे आपको। हाँ बेटा अभी तो तुम सब कुछ दोगे मालूम है। भैया थोड़ा सा एक काम करता हूँ बेटा, मैं थोड़ा कपड़ा बदल लेता हूँ। ठीक है जी, कपड़ा बदलना पड़ेगा जी। चलो कपड़ा तो पहन लिया। कैसे कॉपी किताब रखता है यार, दिमाग में पापा पापा पा, पा, रख देते हैं, रख देते हैं। बैठे बैठे बैठे
तुमको ना आप ठीक है ट्रेन का खाना है थोड़ा खाए लगता है कि लाइटिंग कैसा लग रहा है ये वो होता है उम्र सारी मैं क्या हुआ बेटा वो कुछ नहीं आया थोड़ा चक्कर आ गया था मैं थोड़ा आता हूँ ठीक है मैं थोड़ा आता हूँ बेटा लेटरिंग से ठीक ठीक जाओ 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 काम पापा पाते हैं ते कारे तेरे पापा पाते हैं यार बहुत ही आ जाएगा तो साला किसी को ही बहुत गंदा मारे होंगे क्या मिला रे क्या मिला क्या भाई मैं कहां कुछ गिरा तेरा बाप पाद रहा है अबे नहीं देखता पापा लाइटिंग करना क्या हुआ बेटा इतना जोर से काहे हंस रहे हो रे अंकल आप पापा आप ठीक है ना अरे हाँ हाँ एकदम ठीक है यार परेशान मत करो ट्रेन में थोड़ा ज्यादा खा लिए थे वही अनपच हो गया है आराम से पापा अरे अरे पेट खराब हुआ है कोई अपाही थोड़ी ना हुए हैं पकड़ रहा है नहीं पापा महक रहा है बहुत हाँ बेबी अरे नहीं बेबी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बेबी हाँ बेबी आप बहुत प्यार करते हैं बेबी बेबी किससे दोनों बेबी विशाल हाँ पापा बुलाती है मगर जाने का नहीं अरे दो मिनट बेबी मैं आ रहा हूँ बेबी क्या हो रहा था उधर पापा सर डायरेक्टर सर का कॉल आया हुआ था तो बात कर रहे थे रात को डायरेक्टर सर तुम्हें कॉल करते हैं यही ना हाँ टाइम का ख्याल है तुम्हें कितना टाइम हो रहा है हाँ अरे काहे को मरने पर लगे हो देखो देखो शर्म आना चाहिए तुम्हें आर्मी का जवान होते हुए टाइम पर उठना टाइम पर हर एक काम करता है तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो है ना सॉरी पापा सॉरी और कुछ नहीं चलेगा ठीक है समय पर काम करना है तो करो नहीं तो आगे से तुम्हारा सब खाना पानी सब बंद कर दूंगा अरे पलर गया तुमको ही बोल रहे हैं पापा सोने के लिए ना बोले पैर दबाना है यहाँ पे तब सोना है ठीक है सो जाइए पापा सो जाइए पापा दांत निकाल के बोल दिए सो गए ये छापड़ मारूंगा कस के कान के नीचे दांत निकाल के बोल दिए सो गए दबाओ यहाँ पे बढ़िया से दबा मेरे पापा पांच बज गए यार अब तक भी सोया है सब के सब ए बाबू ए उठो सुबह हो ए अरे उठो सुबह हो गया उठने का
एक बजे उठते हैं, एक बजे काम ना धंधा, लज्जा नाम का कोई चीज नहीं, पैसा कहाँ से आता है पता है तुमको? मिला और मीके खा के गांव में फूट गया। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, सीख लो कुछ, सीख लो बे शर्म कहीं का। अभी इधर आएगा ना तुम, इन लोगों का बहुत है धंधा। ओह नो, ये अंदर रखा करो, मेरे सामने ये मत निकाला। ओह नो, तुम पे ही नजर है मेरा, तुम पे ही, तुम्हारा ही नाम। पापा उसको भी बोलिए। का रे, तुमको अलग से खाना पड़ेगा हाँ? बाबू रहने दो, बस वहीं पे रहने दो, तुम एक काम करो बैठ जाओ। नहीं अंकल जा रहे हैं, हम थोड़ा बाजार सामान लाने हैं। अरे सुनो ना, हाँ जाओ बाबू, जाओ तुम, जाओ तुम, जाओ। ए विशाल, ठीक आप पापा अभी बैठो, मैं मेडिटेशन कराता हूँ, कैसे मेडिटेशन करते हैं आज तुमको सिखाता हूँ मैं। ठीक पापा। कहाँ गया? इधर इधर आओ, मैं वकूफ कहीं क्या। ए और कोई नहीं है ना पापा, कुछ महक रहा है। मैं स्टेशन पे जाऊं, तुम आंख बंद करो। Oh no! Yoga. 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 तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। ओह नो विशाल। हाँ पापा, क्या हुआ क्या हुआ? ओह नो, कौन है? दिव्यांशु का दोस्त है पापा। दिव्यांशु का दोस्त है? हाँ। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ। नहीं अंकल, ये संतू का दोस्त है। संतू? है संतू? संतू? ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ। ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं अंकल। फिर किसका है? हाँ? ये अंकल, अंकल कौन है सर? विशाल आर्मी जी। कौन जी? जी उसका दोस्त है। मैं मान नहीं सकता, वो लड़का ऐसा है ही नहीं। फौजी में क्या चलता नहीं था, हमेशा लेकर आते हैं उनके लिए, लेकर आते हैं। ये भी फौजी में था क्या? हाँ हाँ हाँ, उससे पूछिए ना, उससे विशाल भैया से पूछिए। विशाल, 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 विशाल। जी अंकल। बाबू ये दोस्त तुम्हारा है? ये तीनों आवारा लोग का दोस्त है, मेरा दोस्त हो सकता है आपको यकीन? मैं तो पहले ही बोला था कि नहीं है, मगर ये लोग बोल रहा है कि तुम्हारा दोस्त है। अंकल इसका रोज का यही ड्रामा है,
रोज इन लोग पी के आता है, रोज का ड्रामा इन लोग का यही है। अरे बाबू वहाँ पे सीढ़ी के पास से आ रहा था, मैं इसको खाली देखा तो ऐसा झापड़ मारा मेरे को कि कान पूरा झनझना गया है। उसको होश ही नहीं रहता है ना, वो रात को पी के गिर जाता है, बहुत बार पी के गिर गया। तो विशालबा कौन है तू? मजा की मजा की फेरा मेरे पे तू? अरे तू कौन है पहले ये बता? मजा की फेरा मेरे पे तू? बहुत बहुत तमीज आदमी है, झापड़ मजा क्यों फेंका मेरे पे तू ये बता? मैं तो आ रहा था, तू मजा क्यों फेंका? मजा क्यों फेंका मेरे पे तू? पापा पापा मजा क्यों फेंका रे तेरे पे तू? पापा पापा मजा क्यों फेंका रे? यार पूजा जा पूजा जा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, चलो साथ यहाँ पे तुम लोग का ज्यादा चर्बी चढ़ा है ना। और तू कहाँ जा रहा है? अबे छोड़ बे, कहाँ जा रहा है तू? रोज रोज का ड्रामा हो गया साला ये। क्या हुआ? अबे बाप है इसका, सांप है साला सांप। अरे वो अभी नीचे गए, जाने दे, मरने दे साले बुड्ढे को। साला 6 बजे उठो, जिम करो, योगा करो। अबे कितना बढ़िया, 2 बजे उठते थे, खाना खाते थे, रात में खाना खाते थे, सो जाते थे। 6 बजे उठो, खाना खाओ, नाश्ता करो, दूध पियो, फल खाओ। अबे दूध देने वाली गाय है क्या जो टाइम टू टाइम खाना खाएंगे? बात तो तू सही बोल रहा है यार। साला बोलते हैं प्याज खाओ, प्याज खाने से लू भागता है, इनके प्याज के चक्कर में मेरा गू बंद हो गया यार। और बाथरूम देखा जाके थोड़ा टाइल जल गया है वहां का। ओह नो, अबे सुना शौचालय के दिन में 4 बार हगने जाता है यार। गया अभी कहीं तो जाने दे साले, मर जाने दे बुड्ढे को। देख विशाल, तेरे को मैं एक बात सीधी सीधी बता दे रहा हूं, या तो अब तेरा बाप यहां रहेगा या तो मैं रहूंगा। अरे भाई तो मैं क्या करूं? भगा इसको, भेज देना भाई घर, भेज देना। अरे यार पापा, अरे पापा, तेरे पापा के चक्कर में पाप लग गया है, पाप लग गया है। मार 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 मार। मैंने सब सुन लिया, ठीक है ना? क्या बोला तुमने? तुम्हारा भू बंद हो गया। नहीं अंकल, वो तो मैं मतलब कब्ज हो गया अंकल। अरे कब्ज क्या हुआ, क्या हुआ कब्ज? माँ बाप पैसा देता है पढ़ने के लिए, तुम लोग नाटक करा कैसे हो? बेसाम हो, बेसाम तुम लोग। घपदा सा सा घपदा पदा तुम लोगों को यही टेंशन है ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे मैं यहाँ अपने मर्जी से नहीं आया, मुझे बुलाया गया। कौन पापा? विशाल। पर क्यों? क्योंकि तुम लोग टाइम से उठते नहीं हो, टाइम से उठोगे तो मैं क्यों बुलाऊंगा? देखो मेरा मकसद तुम लोगों को परेशान करने का नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग समय से उठो, समय से काम करो, समय से पढ़ो, समय से हर एक चीज समय से करो, बस सुधर जाओ। मेरा क्या जाएगा, मैं तो लगभग बूढ़ा हो गया हूँ, तुरंत मर जाऊंगा। बाबू तुम लोगों का पूरा जिंदगी पड़ा है, पूरा जिंदगी, समझ रहे हो? सुनाई दिया? अरे मेरा देखो, आर्मी में 20 साल नौकरी करने के बाद भी आज ये हालत जी रहा हूँ। कम से कम सोचो यार, कुछ तो सोचो। समझ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है पापा, अब हम लोग दोबारा गलती नहीं करेंगे। सॉरी अंकल, माफ कर दीजिए। सॉरी अंकल। ठीक है, ओके। ठीक है पापा। ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ, ठीक है?
अब जैसे समझाया वैसे ही रहना तुम लोग, ज्यादा बदमाशी मत करना ठीक है? हाँ नहीं तो इस बार सुनने का मिला कुछ उल्टा पलटा तो सोच लेना विशाल तुमको बोल रहा है। विशाल हाँ हाँ पापा ट्रेन देख लिया है तुमने? हाँ पापा 3 बजे का तो यार टाइम भी हुई है चला है। और पापा हाँ आते रहिएगा अपना ही घर है। अरे ठीक है जी जी ठीक ठीक है पापा। देखो नमस्ते अंकल, जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उम्र सारी आशीर्वाद तो देके जाइए अंकल। हाँ खुश रहो। पापा चलेगा? चलेगा, मेरा पापा तो आशीर्वाद भी नहीं दिए यार। बोला चली भाई। और अच्छा लगा, परेशान कर दिया था। हेलो हाँ पापा। ओह नो। ठीक है पापा, ठीक है पापा, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है पापा। क्या देख रहे हो? इस बार मैंने नहीं बुलाया है। बाप आया।